सो हे व्हाट इज अप गाइस, सर कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम तो पारस खेलने जा रहे हैं, फ्री फायर क्लैश कोड रैंक मैच। तो भाई ये दूसरी वीडियो है मेरे चैनल में फ्री फायर की। आप लोग कमेंट में बता देना यार कि मेरे को लाने चाहिए कि नहीं। अभी तक आप लोगों ने कुछ बताया तो नहीं है। तो ये भाई ओटी नो तुम्हें पहचान में आज भाई स्टार्ट हुआ है। बंदे पता नहीं कहाँ दिखाई नहीं दे रहे। तो भाई अगर आप लोग अपने पैटर्न नहीं पा रहे होगा तो भाई सॉरी यार, क्या कर सकते हैं, वरना मैं इंटरनल काम नहीं डाल पाता। वो मेरी टीममेट में तो दिया पर मुझे डाल देता है। बंदा आ रहा है मेरे पहले किसी बन जाएगा ट्रस्ट मारने। इस वजह से बंदे को तुमने नॉक कर दिया। एक और मिल जाता है और एक छुट जाता है। एबिलिटी का काम आएगी मेरे दोस्त भाई। यार इन्हें भी हमने आराम से मार दिया और पहले मैं राउंड में ही हमारे 3 गेम निकल चुके हैं। तो दूसरा राउंड हमारा स्टार्ट हो गया है। तो इस राउंड में सोच रहा हूँ MP5 मिलते हैं। चलो तो राउंड हमारा स्टार्ट होने वाला है बस। तो चलो राउंड हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब देखना ये है कि इस राउंड में क्या होगा, कौन मारेगा कौन नहीं, कौन मारेगा किसको। और गाइस आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि यार मेरे को वॉइस ओवर करना चाहिए क्लैश कोड मैच में, या एक प्यारा सा बढ़िया सा खतरनाक सा जहर सा सॉन्ग बैकग्राउंड में डाल देना चाहिए। तो भाई हेड मारने की कोशिश जो कि नाकाम कोशिश रही बिल्कुल, गोली तक नहीं लगी हेड, क्या लगे लगता भाई। और लो भाई लव ग्री फर्स्ट ब्लड, हमारे टीम ने इतने सबसे पहले शब्द मार दिया। और चलो भाई मेरा खाता खुल गया है, मैं फिर कर देता हूँ पूरा। भाई MP5 यार काफ़ी जहर गन है भाई, क्लोज में भी बढ़िया खेल लेती है, मीडियम में भी, लॉन्ग में तो भाई यार क्या ही बताइए। स्नाइपर का क्या ही अच्छा लगता है। और भाई सामने एक बंदा है, इसे क्लोज कर रहे हो यार, हेड नहीं पड़ा है जी। जा रहा है भाई। सेट। कोई नहीं, रश मारते हैं, एक ही बंदा बचा है। इतना ही है कि हम मार पाएंगे कि नहीं, या वो ही हमें मार देगा। अरे मैं पीछे से घूम के जाता हूँ, ऐसे करता हूँ। और भाई यार ये स्प्रिंट चालू ना करो ना, बंदा बहुत धीमे भागता है कैरेक्टर यार, पता नहीं क्यों फ्री फायर वाले ऐसा करते हैं। और लो भाई बंदे को हमने आराम से मार दिया है, और ये भी राउंड हम लोग आराम से आसानी से जीत चुके हैं। तो भाई जो है शॉटगन में कभी चलाता ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये तीसरा राउंड हमारा स्टार्ट हो चुका है, 2 राउंड हम लोग लगातार जीत चुके हैं। तो देखना ये है कि इस राउंड में हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं। और भाई ये वाला राउंड मेरे को अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। अब मैं क्या बताऊँ, इसमें अगर क्लोज फाइट होती है भाई वाला राउंड मेरे को बेकार लगता है, और अगर नहीं होती तो भाई बिल्कुल बेकार। तो भाई मेरे टीममेट को एक बंदे ने नॉक कर दिया है, तो भाई मेरा दूसरा टीममेट भी नॉक हो चुका है। और यहाँ मैं बिल्कुल गलत टीम करने वाला हूँ, मेरा निशाना पता नहीं कहाँ चला जाता है, और भाई बंदा पता ही नहीं कहाँ से मारता है, मेरे को पता नहीं चलता। और यहाँ मेरा टीममेट तो मेरे को रिवाइव देने आता, लेकिन मेरे पास कोई नहीं चाहती थी, यूज करने का टाइम तक नहीं था। मैं जैसी दवाई दिया था मैंने, उसमें यार राउंड ही खत्म हो गया, बंदों ने मार दिया, मैं डिफीट हो गए। तो इस राउंड में मैं सोचा वैक्टर ले लूँ, डबल वैक्टर चलाते हैं। वैसे यार इस राउंड में अगर डबल वैक्टर का मौका शायद ही मिलेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इस राउंड में डबल वैक्टर का मौका मिलेगा, क्योंकि भाई इसमें बहुत से बंदे लॉन्ग लेते हैं भाई, वो देख रहे हो। अब वो बंदा लॉन्ग फाइट लेगा, लॉन्ग या मीडियम, क्योंकि भाई मीडियम में भी नहीं चलती वैक्टर, वैक्टर बस क्लोज में ही चलती है भाई। तुम जितने में मीडियम में जितना डैमेज दोगे ना दोनों वैक्टर से, उतनी देर में भसरा सा भर देगा सामने वाला। बस यही बात है, वैक्टर की चुभ रही लगती है। तो गाइस अगर आप लोगों ने पबजी की पबजी लाइट का पिछला गेमप्ले नहीं देखा तो जाके देख लो यार, डिस्क्रिप्शन में सोच रहा हूँ लिंक दे दूँगा। क्या तो छोड़ो यार, वो तो आप लोग देख लोगे यार, आप लोग इतने अच्छे हो यार। तो भाई मैं इधर साइड तो आ गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या हो गया, ये मेरे गेम प्ले में दिक्कत नहीं है वैसे तो, ये रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है बस, अभी गेम प्ले में तो कोई दिक्कत नहीं। और भाई बूट टैकर से मार दिया भाई ये गन बहुत बुरी लगती है क्लोज में अगर चल जाए तो। लो भाई ये वाला राउंड हम हार चुके हैं बुरी तरीके से, बुरी तरीके से भी नहीं। तो ये वाला राउंड है हमारा क्लॉक टावर में, और मैं सोच रहा हूँ इस राउंड में ले लूँ मैं वुड पैकर।
और एक ऑटो गन भी ले लेते, फैक्टर ले लेते हैं गाइस। लाइव स्ट्रीम थोड़ी ना कर रहा हूँ यार, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ मैं भी यार कैसा बंदा हूँ। और गाइस आप लोग कमेंट में बताना मेरे को लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए फ्री फायर की कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताना, ट्राई करें एक बारी। वैसे यार यूट्यूब में थर्ड पार्टी ऐप से मैं कर सकता हूँ, पहले इस बंदे मारे थे थर्ड पेज वही है, थर्ड पार्टी ऐप से कर सकते हैं अगर आप लोग कहोगे तो कर देंगे, बाकी वरना भाई बाकी जो ऐप्स रहते हैं ना उन इसके लिए कर सकते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना तो यार, आप लोग एक बार कमेंट में बताना तो। और भाई दो बंदे को हमने मार दिया है, हमारे शुरुआत में दो किल निकल गया है, नहीं भाई दो किल नहीं निकले, एक बंदे ने मार दिया अभी भाई, आप दोनों की अभी भी यूज करते हैं और इस बंदे को हमने मार दिया है। अब उधर साइड एक बंदा है मेरे को पता है, लेकिन मेरे को उसकी लोकेशन नहीं पता, बस ये पता है कि उधर साइड है। हेल्थ बढ़ा लेता हूँ मैं सबसे पहले, तो हील कर लेता हूँ आपको। अब भाई मेरे को नहीं पता कि मैं वॉइस ओवर बढ़िया वाला कर रहा हूँ कि कौन सा वाला कर रहा हूँ, मैं तो बस बोल ही जा रहा हूँ जब से। और भाई सामने बंदा है, और कोई शॉट नहीं लगा, तो भाई मैं सोच रहा हूँ यार इधर से कूद के चलते हैं। हाँ भाई मेरी टीममेट उधर से आ रहा है, मैं कोई इधर से कुछ चीज़ें चाहिए। और भाई नहीं आ रहा, ओ भाई ओ ओ भाई 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 जोन है, अरे सर क्रोनो सर बचा लीजिए। चलो भाई बच के बच के, जोन थोड़ा और आगे होता तो मैं गया था, अपनी वेक्टर ही निकाल लेते हैं। और भाई वो बंदा कहाँ गया, ओ भाई उसके पास मौका था मारने का, शॉट गन उसके पास भाई, क्लोज में बहुत हार्ड दिक्कत आने वाली है कि शॉर्ट गन तो जानते ही हो गए ना आप लोग भाई, मार के रख देती है। चलो भाई ये वाला राउंड भी हम लोग जीत चुके हैं बिना एबिलिटी को अगर ना भी करते तब भी जीत जाते, क्योंकि उसकी शॉर्ट गन वो रिलोड पे रख दी थी ना भाई। शॉर्ट गन एक ऐसी गन है, चली तो चली वरना चलाई देगी तुमको भाई। चलो यार लास्ट राउंड है जहाँ तक है ये मेरे को लगता है, क्योंकि ये राउंड मेरे को भाता है, अच्छा लगता है वाला राउंड। और जब वोट पे अगर हो तो भाई क्या ही बताए, अब भाई वो किस्मत की बात अलग होती है कि मर जाते हैं। फिलहाल पहले तो बंदों को देखते हैं कहाँ है बंदे, ये बंदे दो बंदे जा रहे हैं, हेड नहीं गया, हेड नहीं गया यार। ये फ्री फायर में क्या है भाई, ऊपर करो तो भाई हेड ही नहीं जाता, इतनी मुश्किल से जाता है। पबजी में तो जहाँ भी रिकॉइल होता था, रिकॉइल लेने की एक चीज़ होनी चाहिए फ्री फायर में भी। और भाई सामने क्या ग्लिच खा रहा है बंदा, है भाई वो भी कह रहा होगा यार मेरे साथ क्या सीन हो रहा है, मतलब 239 के दो हेड मारे थे मैंने उसे। और भाई वो बंदे चले जा रहा था एक ही जगह पर खड़ा होकर, सामने से एक और बंदा आ रहा है और ये हेड के साथ हमने इसे मार दिया है, ट्रैक्टर से इसे दोनों को मार कह सकते हैं। और पीछे बताए, और ये राउंड हम लोग फाइनली जीत चुके हैं और ये हमारा बुआ हो चुका है। और ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बता देना लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।